हेलो डियर स्टूडेंट्स, समस्त फिले लाइव सेशन को स्वागत रे एवं समस्त को फिले वेरी गुड इवनिंग। जो मैंने भी सेशन अवेलेबल रही तो क्लास टी फिले तुम मानक इम्पोर्टेंट रण तुम मानक फिले पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज जो फिले मुझे स्टार्ट करी टोटाली फिले 20 सीरीज तुम मानक तो प्रत्येक सीरीज रे तुम मानक जो क्वेश्चन गुड़िक रे क्वेश्चन गुड़िक एग्जाम बहुत सारा आसी एसएससी हो बीईडी हो तुम मानक रेलवे हो जहाँ भी सब पे कॉम्पिटेटिव एंट्रेंस रहा जोटी पॉलिटी अच्छी से क्वेश्चन गुड़िक निहती भाव में तुम्हें देखा पाइब सिलेक्टेड क्वेश्चन अटे सीरीज़ रा कौन सी पार्ट को तुम्हें मिस करनी मॉर्निंग रे तुम मानक पिले ओडिया ग्रामर रीरीज आम करा ग्रामर कनसेप्ट को आम डिस्कसन करें पखापाखि 90 क्वेश्चन रही है तो जदि से क्लास टू मिस कर भाव में प्लेलिस्ट को जाकि तुम्हें रिविजन कर ओडिया ग्रामर प्लेलिस्ट तुमको से सीरीजटी मिल जाव हृदय गोटे गोटे फिर लाइक कर सेयार कर डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर जहाद्वारा कि मत एनकरेजमेंट लगे तुम मानक भल पाइबा देखिकी एवं तुम मानक फिले बैक टू बैक क्लासेस मुझे आसबि यही टाइप रिले सिलेक्टेड क्वेश्चन नहीं आसबि तो हृदय गोटे गोटे लाइक करने सहित निज सांगसाथी मानक फिले डेफिनेटली सेयार कर जो सब्सक्राइब बटन फिले रही जो रेड कलर ताको फिले तुम्हें सब्सक्राइब करके जमीती का तुम्हें नाली रू से धड़ा करदेव ठीक अच्छे एवं पाखे थोड़ा बेल आइकन को फिले फ्रेश कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करदेव जहाद्वारा कि समस्त प्रकार जॉब अपडेट टू आरंभ करके लाइव क्लास रिलेटेड एवं एजुकेशन रिलेटेड जहाँ भी सब अपडेट आसूँ गवर्नमेंट तरफ से सब ये चैनल मध्यम पाइपर केवल फिले बीईडी एंट्रेंस कि सीयूसीटी बीईडी नुहे ओ डबल एस एस टी ओ टीटी ओ डबल एस एस सी ओ ट्रिपल एस एस सी जहाँ भी सब वैकेंसी फिले ओडिशा गवर्नमेंट आसव एंट्रेंस हो कि तुम मानकर जॉब रिलेटेड एग्जाम हो से प्रिपेरेसन कर ठीक अच्छे फिले तो हृदय गोटे गोटे लाइक सेयार सब्सक्राइब तो करदेव ता सहित डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे फिले टेलीग्राम रो लिंक अच्छे टेलीग्राम यथाशीघ्र जॉइन हो जाओ जोटि कि तुम मानक फ्रीली पीडीएफ नोट्स एवं एमसीक्यू क्वेश्चन रो क्लासेस तुम मानकर पाइब ता सहित मॉक टेस्ट देपर इम्पोर्टेंट सिलेक्टिव नोट्स फिले पाइपर एग्जाम पॉइंट ऑफ दृष्टि जो गुड़िक तुम मानी गुरुत्वपूर्ण अटे से सब नोट्स ठू आरंभ करके पीडीएफ टू आरंभ कर फोटो सब तुमको सेंड करते से तुमने पाइपर डायरेक्टली टेलीग्राम आप्लिकेसन को जैकि मास्टर ऑफ ब्रेन आईक्यू कौन प्ले सर्च कर मास्टर ऑफ ब्रेन आईक्यू तुम्हें यही तीनोटी टर्म को सर्च करवा मात्र के देखीदेव 1775 अधिका स्टूडेंट से ग्रुप रे थी 1775 अधिका तो से ग्रुप रे जॉइन हो जाटा हूँ ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप अटे एवं तुम्हें मैंने जदि पेड ग्रुप रवाप चाहू कि डेफिनेटली तुम मानक गोटे गोटे सीट दरकार कि तुम्हें एग्जाम को लेकिन सीरीयस अच कि ना आमको डेफिनेटली बीईडी सीट दरकार तो निहाती भाव में यही नंबर में मत एवं टेलीग्राम किंबा व्हाट्सएप रे मेसेज कर मुझको फिले पेड ग्रुप अबाउट रे डिटेल्स बुझेदेवि एवं पेड ग्रुप रो चार्जेस जो फिले रोचे मात्र 101 टंका रोचे एवं सेटा फिले लिमिटेड टाइम पाई एवं जते बेले फिले एग्जाम रो नोटिफिकेशन तुम मानक आसी पेड ग्रुप रो चार्जेस फिले बहुत सारा बढ़ जिवो एबे तुम्हें मैंने कही पारिबो फिले 10% ऑफ अच्छे से तुम मानक 50% तुम मानक हाइक हो ठीक अच्छे फिले बुझिपार तो क्वेश्चन को फिले कवर अप करवा आशा कर ठीक से देखा क्वेश्चन गुड़िक पिक्चर क्वालिटी तुम मन को फिले सठिक भाव में रही थी तो चलत फिले क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करवा तो क्वेश्चन नंबर 1 फिले तुम मानक रही हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ अ फ्री इंडिया तो मुझे क्वेश्चन को फिले ट्रांसलेसन करोनी केवल तुम मानक फिले ऑप्शन को कहीदे तुम्हें समस्त ऑप्शन को देखो आंसर कर राजबिहारी घोष राजेंद्र प्रसाद राजगोपालचारी सर्वपल्ली राधाकृष्ण तो क्वेश्चन नंबर 1 फिले आंसर ऑप्शन सी सी राजगोपालचारी जो माने फिले ऑप्शन सी कहुच समस्ती फिले सठिक आंसर रही नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया व्हाज सेट ऑफ इन 1945 1946 1947 1949 तो फिले यार आंसर हो 1946 ऑप्शन बी फिले जो माने ऑप्शन बी कहुच समस्ती फिले सठिक आंसर रही क्वेश्चन नंबर 3 हु प्रेसाइड ओवर द इन
एगुराल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर वी आर आम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पी उपेन्द्र। तो पिले यार सठिक आंसर हो सच्चिदानंद सिन्हा, जोटा कि पिले ऑप्शन ए रे तुम मानक रही। क्वेश्चन नंबर 4, द फाउंडिंग फादर ऑफ अ थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी वाज एफ डब्ल्यू टेलर, मार्क्स वेबर, एल्टन मायो, हर्बर्ट सिमोन। तो पिले यार सठिक आंसर हो मन रख मार्क्स वेबर। क्वेश्चन को पिले मन रख, आंसर खातार पिले नोट डाउन कर। जो क्वेश्चन गुड़ी को तुम मानक लगुच कि ये क्वेश्चन तुम मानक नुआ अटे, तो से क्वेश्चन को तुम्हें खातार नोट डाउन कर, से क्वेश्चन ही एग्जाम आसवर पसिबिलिटी अधिका रही। कारण एग्जाम पिले से क्वेश्चन आसे जो क्वेश्चन मोस्ट पॉपुलर होता है। तो पिले क्वेश्चन नंबर 5 को जीवा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द गवर्नर जनरल, ब्रिटिश पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो पिले यार सठिक आंसर तुम्हें देखु देखु जापार ऑप्शन सी हो जोटा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्वेश्चन नंबर 6 पिले, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज हैंडरिटन बाय। देखो पिले आमर जो कॉन्स्टिट्यूएंट रही किए लिखी थे मैंने हैंडरिटन क्या द्वारा होता। तो यही क्वेश्चन पिले एग्जाम पूर्व आसी एयर मध्य आसवर पिले पॉसिबिलिटी रही। तो प्रेम बिहारी नारायण राय जादा, ठीक अच्छे। क्वेश्चन नंबर 7 को पिले देखा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। केबे पिले एडॉप्ट करा जाई थिला रे, 26 नवंबर 1949। ऑब्वियसली पिले ऑप्शन डी हे जीव यार सटीक आंसर, 26 नवंबर 1949। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पिले कवर करिबा, क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 पिले रही, देखो स्क्रीन में समस्त पिले देखि पारुच, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम। तो केबे पिले एटा तुम मानकर आईन रे परिणत करा जाय थिला रे, 26 जनवरी 1950, जोटा को पिले आमे रिपब्लिक डे बोलिका सेलिब्रेशन करूचे 26 जनवरी को। द आईडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज ए फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय। तो आईडियाटा पिले किए दे थिले, तो मन रख पिले क्वेश्चन एग्जाम रे बारंबार पचारुची जहाँ कि तुम मानक सिलेक्टेड क्वेश्चन अटे, एम एन रॉय पिले दे थिले। इंडिया बिकेम ए सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन। केबे पिले हेतला रे, तो मन रख पिले आमर जेबे आमर जो संविधान पिले जेबे कार्यकारी हेतला सेबे हेतला January 26, 1950। तो ऑप्शन सी हो पिले यार सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को पिले कवर अप करिबा, हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहले पिले कहा को बुझुचे, बी आर आम्बेडकर, डॉक्टर वी आर आम्बेडकर, ऑप्शन ए हो सठिक आंसर। तो पिले क्वेश्चन नंबर 12 तुम मानक रही, हु प्रपोज प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जवाहरलाल नेहरू, बी आर आम्बेडकर, बद्रुद्दीन त्यागजी, महात्मा गांधी। तो क्वेश्चन नंबर 12 पिले सठिक आंसर हो जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए। द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन। तो प्रथम सेशन पिले कौटी होता, प्रथम सेशन कौटी होता रे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो। देखो पिले यार सठिक आंसर हो न्यू दिल्ली, जो मैंने पिले न्यू दिल्ली कहच समस्त पिले सठिक आंसर रही। क्वेश्चन नंबर 14, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मुझ तुमको पिले कही ना ट्रिक कही कौगुड़ी तुम मैंने मन रख। तो यूनियन कमिटर पिले किए थे रे चेयरमैन, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी। हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। किए मेंबर नथिले पिले, लोकनायक जयप्रकाश नारायण बा एलएन जयप्रकाश नारायण। इन ह्विच ईयर वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट पास्ट। तो केबे हेतिला पिले मने पकाओ, 1951 रे प्रथम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास होता 1951 मसीह।
व्वेन वेयर द फास्ट जेनराल इलेक्शन हेल्ड इन द कंट्री तो प्रथम जेनराल इलेक्शन आमर केवेला सिलेक्टेड क्वेश्चन पिले सिलेक्टेड क्वेश्चन एवं मोर डेडिकेशन तो निहाती भाव में तुम मानक हाथ तो पिले लाइक बटम अफर रहा कथा और निज सांगसाथी मान तो पिले डेफिनेटली शेयर कर दिव्य आटलिस्ट पिले दसटा सांग को तो तुम्हें हेल्प कर ना ना जो मैंने पिले कंपिटेटिव लाइन प्रिपेरेसन करुँच जो मैंने प्लस टू प्लस थ्री ये मैंने भी पढ़ुंट तुम सान भाई भी मैंने सेयर कर दिवना पिले कारण सिलेक्टेड क्वेश्चन पिले से मानकर प्रिपेरेसन ये चैनल मध्यम से मैंने ठीक अच्छे तुम्हें जमी देखिपार से क्लासेस करेंगे तो 1951 और 1952 मसीह पिले होता इन ह्विच इयर वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट पास तो प्रथम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पिले केबे पास होता कह यहाँ तुम मानक मुझे डिस्कसन करी ना 1951 पिले जेनराल इलेक्शन पिले आम के 1951 52 क्वेश्चन नंबर 18 पिले द वर्ल्ड फेडरेशन इज डिस्क्राइब इन ह्विच पार्ट ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन तो फेडरेशन टाक पिले को पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कवर अप करा जान तो फर्स्ट पार्ट रे ना सेकंड पार्ट रे ना फोर्थ पार्ट रे ना पिले को पार्ट रे नुहे तो आम कह पिले कौन सी भी पार्ट रे तुम मानक मेनसन करा जाए ना ये टी चेक कर गूगल बुक देखिपर द कनसेप्ट अफ अ रिटेन कन्स्टिट्यूशन व्वाज ए फास्ट ओरिजिनेटेड इन तो रिटेन कन्स्टिट्यूशनटा जो पिले रही कौट आसी यूनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका ह्विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक फीचर अफ द कन्स्टिट्यूशन अफ इंडिया कौटा नुहे पिले बेसिक फीचर कौटा नुहे द अनक्वेश्चन्स राइट अफ द पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट अफ द कन्स्टिट्यूशन तो पिले ऑप्शन डी टा नुहे आउ सबुतक पिले रुँ ऑप्शन डी टा तुम मान आंसर आसब ना द आइडिया अफ अ पार्ले सरी रे ऑप्शन डी टा पिले आंसर आसो कि सबुतक ऑप्शन पिले रुँ ऑप्शन डी टा तुम मान से पार्ट्रे आसबनी तो नेक्स्ट क्वेश्चन पिले तुम मानी रही द आइडिया अफ अ पार्लियामेंटरी फॉर्म अफ अ गवर्नमेंट इज अडॉप्टेड फॉर्म पार्लियामेंटरी कथा कही तो पार्लियामेंटरी कथा कह मैंने पिले मन रख यूके कौटा पिले यूके बाय यूनाइटेड किंगडम द इंस्पिरेशन अफ अ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्राटर्निटी वाज डिराइव्ड फ्रॉम कौट पिले आसीपर मन रख पिले फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रेंच आसी ह्विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट कौन पिले सूचौ कि इंडिया गोटे सेकुलर स्टेट बोलिका प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन तो ऑप्शन डी ही सूचौ ह्विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौटा पिले बेसिक फीचर नुहे आम कह पिले ऑप्शन एटा नुहे कारण प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट पिले आमर नुहे तो ऑप्शन एटा क्वेश्चन नंबर 25 पिले द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड एज तो आंसर पिले कौन हम पार्लियामेंटरी फेडराल यूनिटरी फेडराल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट आंसर पिले कौन आसीबो आंसर आसीबो पिले फेडराल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट क्वेश्चन नंबर 26 ह्विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो कौटा पिले फेडरालिज्म कौन पिले ऑप्शन डी आसीजी यार आंसर फेडरालिज्म क्वेश्चन नंबर 26 पिले गला क्वेश्चन नंबर 27 देख द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए रिपब्लिकन बिकॉज इट प्रोवाइड्स फॉर एन इलेक्टेड पार्लियामेंट प्रोवाइड फॉर एडल्ट फ्रांचाइज कंटेन्स ए बिल ऑफ राइट्स हाज नो हेरिडिटरी एलिमेंट्स तो आंसर पिले कौन हम तो मन रख पिले यार सठिक आंसर हाज ए नो हेरिडिटरी एलिमेंट्स ऑप्शन डी पिले क्वेश्चन नंबर 28 इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सिंगल सिटीजनशिप इज अडॉप्टेड फ्रॉम आमर पिले जो सिंगल सिटीजनशिपटा कौट आसी पिले मन रख पिले यूके रु आसी ठीक अच्छे जदि पिले यूके ना तो कौन कर इंग्लैंड कर पिला मानकर कन्फ्यूजन आसीज अरे एक्चुअली आम यूके पढ़ी बही यूके थिला तो कौन कर तो पिला करेंगे ना बा छाड़ देक आस भूलभाल कर देकी आसवे जो मैंने पिले जान नए तो मो स्टूडेंट्स मानक तो मुझे पूर्व एवं आउ थे कहीदे
हाउ मेनि लैंग्वेज हाव बीन रिकॉग्नाइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 20, 22, 27, 30 माने कॉन्स्टिट्यूशन रे केतोटी भाषा को स्वीकृति प्रदान करछि बा मान्यता दिए जाइछि एटा ही पचार छि फिले तो आंसर फिले कोन आसीबो आंसर आसीबो फिले 22टी भाषा ऑप्शन बी फिले 22टी भाषा क्वेश्चन नंबर 30 हाउ मेनी टाइम्स द प्रीएम्बल हैज बीन अमेंडमेंट सो फार केते थरो फिले प्रीएम्बल को अमेंडमेंट करा जाइछि देखिबो फिले तुम मानकर ऑप्शन ए आसीबो वन्स ना टुइस ना थ्रीस ना नेवर प्रीएम्बल को केते थरो अमेंडमेंट अमेंडेड करा जाइछि तो यार आंसर पिले तुम मैंने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जनइब 30 क्वेश्चन तुम मान सहित मुझे कवरअप करी पार्ट वन एमसीक्यू सीरीज रे नेक्स्ट पिले तुम मान जो क्वेश्चन गुड़िक रही टॉप क्लास क्वेश्चन रही पिले सिलेक्टेड क्वेश्चन रही तुम मैंने क्वेश्चन को देखिक जापार कि पॉलिटी ये सब क्वेश्चन गुड़िक ही सिलेक्टेड क्वेश्चन अटे तो ये पॉलिटी जो सिलेक्टेड क्वेश्चन अच्छी पिले ये क्वेश्चन गुड़िक तुम मानक परवर्त समय मिल कि तुम मानक जो पे क्वेश्चन मिलना ना सिलेक्टेड क्वेश्चन से पे तुम मानक मजा आसीज जदि तुम मैंने पूर्व क्लास गुड़ी कवरअप कर चैनल सहित पूर्व जोड़ी अच्छ तो क्लास टी गोटे गोटे पे लाइक कर सेयार कर पे डेफिनेटली चैनल को पे सब्सक्राइब कर टेलीग्राम चैनल पे जॉइन हो लिंक तुम मानक पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रही है निज सांगसाथी मानक पे डेफिनेटली सेयार कर सेयार पे करवा हूँ मोस्ट कहना अन्य को फिले जब हेल्प करवा निहत भाव में कहीं ना कहीं आमको साइए भगवान भी साहे कहीं नक ठीक अच्छे पिले तो थैंक यू सो मच पिले समस्ते कम्प्लीटली देखी अशेष अशेष धन्यवाद तुम मानक भलपाइवा ये टाइप्र रखी था लाइक स्वरूप सेयार स्वरूप सब्सक्राइब स्वरूप बास आम एमतीका क्वेश्चन कवरअप करवा तुम मानक डेली बेसीस सीरीज अनुसार तो विदाय नौ पिले पुणी देखा हे आगामी अध्याय ये आम सर पिले ठीक अच्छे तो वाइंड अप करिबा हैला जय जगन्नाथ।